स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिल्क केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। पानी में इसलिए डाल रही हूँ कि तलवों पे जो हमारा दूध है वो चिपके मत। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। मैंने जो है 1 लीटर दूध लिया है, इसको ये मेरा कच्चा दूध है, भी हम इसमें पहले सबसे पहले उबाला डलवाएंगे। एक पहले हम इसके उबाले का इंतजार करेंगे। आप देख सकते हो इसके बबल्स जो हैं वो होने लग गए हैं, ये उबलने वाला है, बबल्स आ गए हैं सारी तरफ। हमारा दूध उबल गया है, अब हम इसकी गैस की आंच सिम कर दी है। अब हमें इसका ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि अब ये हमारा दूध उबल चुका है तो इसके नीचे लगने के चांसेस अब ज्यादा होते हैं, और अगर ये लग गया तो हम जो मिल्क केक बना रहे हैं उसके टेस्ट में भी इसका फर्क पड़ सकता है। तो हमें इसको अच्छे से हिलाते रहना है। इसको उबलते उबलते 5 मिनट हो चुके हैं। अगर आप दूसरी कढ़ाई ले रहे हैं, जैसे कि नॉनस्टिक कढ़ाई नहीं ले रहे हैं, तो आप उसमें दूध डालने से पहले आप उसमें घी से कर दीजिए, घी मल दीजिए उसमें कि जिससे आपका जो दूध है वो चिपके मत और जले नहीं। आप देख सकते हैं जो दूध है वो रिड्यूस हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम एलम ले रहे हैं, एलम या फिटकरी, इसको आप थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिएगा, थोड़ा सा ही हम इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड ना कर दीजिएगा। आपके पास अगर फिटकरी अवेलेबल नहीं होती है तो आप उसका नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं, नींबू भी वही काम करेगा जो हमारी फिटकरी काम करेगी। आप ज़्यादा मत डाल दीजिएगा, हमें फिटकरी थोड़ी ही डालनी है। आप देखते हैं जैसे कि मिल्क केक हम जब बनाते हैं या बाजार से लाते हैं उसमें दानेदार होता है वो, तो ये दानेदार कैसे आएंगे, वो इस फिटकरी से आएंगे या नींबू आप जो डालें उससे आएंगे। ये देखिए ये हमारा दूध, जो हमारा दूध है वो धीरे धीरे फटना शुरू होगा। हम इसकी आंच जो है अभी धीरे कर दे रहे हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये देखिए थोड़ा थोड़ा हमारा जो दूध है वो फटना शुरू हो चुका है, अभी अच्छे से नहीं हुआ है। हम इसको अभी स्टर ही करेंगे। गैस मैंने मीडियम फ्लेम में कर दी है, मीडियम टू हाई फ्लेम में है ये। अगर आपको फिटकरी कम लग रही है तो आप और ऐड कर सकते हैं। आप पहले स्टार्टिंग थोड़ी ही डालिएगा, फिर अगर आपको लगे बाद में तो आप उसको और ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे जो ग्रैनुअल्स हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। मैंने हाई फ्लेम में कर दी है गैस अपनी। yes.
ये देख सकते हैं आप। अब हम इस टाइम पे थोड़ी थोड़ी चीनी जो है वो ऐड करते जाएंगे, पूरी एक साथ मत कीजिएगा, 2-3 चम्मच एक साथ डालिएगा, थोड़ी थोड़ी चीनी ऐड करते जाइए। चीनी ऐड कर दे रही हूँ, और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम ये बाकी की चीनी भी इसमें ऐड कर देंगे। तो हम इस चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। घी भी ऐड कर देंगे। जिससे जो हमारा मिल्क केक है वो सॉफ्ट बने। मिल्क केक बनाने में हमें टाइम तो लगता है, पर इसका आखिरी रिजल्ट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। आप उस समय जब ये खाएंगे तो आप सारी मेहनत को भूल जाएंगे। 15-20 मिनट्स हो चुके हैं, 15-20 मिनट के बाद अब ये देख सकते हैं, अभी ये ऐसा है और मैंने इसको कंटिन्यूस हिलाया है, नहीं तो इसका नीचे चढ़ने का डर होता है। इसको अभी मैं 5-10 मिनट और करूँगी अभी, जब तक इसका कलर थोड़ा सुनहरा नहीं हो जाता। आप कोई भी पतीला, कुछ भी, कोई भी बर्तन ले सकते हैं। मैं केक का टिन ले रही हूँ, इसमें मैं घी डाल दूँगी और इसको अच्छे से हर जगह पर स्प्रेड कर देंगे कि जब हम इसमें अपनी मिल्क केक जमाएं और बाहर निकालें तो वो अच्छे से निकल जाए। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, ट्रांसफर कर दे रहे हैं हम इसको। फॉइल पेपर से ढक देंगे, फटाफट इसे कवर अप कर देते हैं, क्योंकि इसकी हीट इसमें बनी रहे। आप देखते हैं ना कि कहीं से ये वाइट होता है, कहीं से ये ब्राउन हो जाता है, तो ये इसकी हीट के कारण होता है। तो आपने इसको इसको ऐसे अच्छे से कवर कर देना है। इसकी हेल्प ले रही हूँ, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, आप इसको टॉवल में ऐसे रख दीजिए बंद कर कि जिससे इसकी जो आपकी वो जो मिल्क केक है उसकी गर्माहट बनकर इसका कलर चेंज हो जाए। तो इसको हम रख देंगे 5-6 घंटे के लिए, फिर हम इसको देखेंगे। तो मैंने अब इसकी प्लेटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड डू शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली।